नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अभी अखिलेश को कांग्रेस मना ही रही थी और अखिलेश न मानने की जिद कर रहे थे, और इस जिद के बीच अखिलेश को मनाने की मुहिम कई कांग्रेसी नेताओं ने शुरू की, लेकिन अभी उसका परिणाम क्या होगा ये पता नहीं। इंडिया अलायंस को एक बैठक करनी है, क्योंकि विपक्ष के रूप में एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाना है कि इंडिया अभी जीवित है। लेकिन माफ़ करिएगा, ये इंडिया भारत के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया अलायंस के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। लेकिन जीवित है, रेलेवेंट है या नहीं, अब आप एक बयान से समझ लीजिए कि इसकी स्थिति है क्या। अरविंद केजरीवाल आज बठिंडा पहुँचे थे। पंजाब के बठिंडा में 1100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया, और उसके बाद जब एक एक करके बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल की उन्होंने खबर ली, तो वो भी अपने अंदाज में। उन्होंने ये कहा कि इन तीनों पार्टियों ने पंजाब के लिए किया क्या है, और फिर किस हैसियत से ये सरकार बनाने का दावा करते हैं और इतने बड़े बड़े वादे करते हैं। उसी बीच में एक सवाल किया गया कि आपने तो पंजाब को कर्ज में डुबो दिया है। उन्होंने कहा कि कर्ज में नहीं, बल्कि पंजाब के लोगों के साथ अब न्याय हो रहा है। खैर, ये सब बातें तो अरविंद केजरीवाल कहते ही रहते हैं, लेकिन एक बड़ी बात कह दी उन्होंने, और वो बात अब कांग्रेस को पचेगी या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। 13 लोकसभा सीट पंजाब में है, और ऐलान कर दिया है एक तरह से 13 सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि उन्होंने इस अंदाज में इस बात को नहीं कहा, बात कुछ इस तरह से की कि अब लगता है कि केजरीवाल भी समझ गए हैं कि इंडी अलायंस का वजूद है क्या। उन्होंने कहा, अगर इंडी अलायंस हमें 13 सीट दे दे तो बढ़िया, नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी सोचने पर स्वतंत्र है। कुछ ऐसी ही भाषा अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं। कुल कितनी सीटें कांग्रेस को लड़ने के लिए देंगे लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव, ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो 19 तारीख से पहले ही घोषणा कर दी कि 13 के 13 लोकसभा सीटों पर हमें लड़ने दिया जाए, ये हमारी अलायंस से मांग है। पता नहीं अलायंस के किस नेता से वो मांग कर रहे हैं, अलायंस का कौन सा नेता है जो ये तय करेगा कि 13 लोकसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कोई कन्वेनर नहीं, कोई इंडिया अलायंस का अध्यक्ष नहीं, बात सिर्फ हवा में तैराई जा रही है। और इसीलिए हम बराबर ये कहते आ रहे हैं, इररिलेवेंट हो चुकी है इंडी अलायंस। बात बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को वो पूरे पंजाब में अप्रासंगिक मानते हैं, और इसके पीछे वो कारण भी बताते हैं कि किस तरीके से पंजाब को मुश्किलों में कांग्रेस ने डाला। उन्होंने एक उदाहरण के जरिए बोला कि 1 रुपये का काम 100 रुपये में किया जाता था, हमारी पार्टी ने 1 रुपये का काम 50 पैसे में किया, जो बचत हमने की उस बचत से लोगों के सुविधाओं को बढ़ाने का काम हमने किया है, और इसलिए बठिंडा ही नहीं पूरे पंजाब में जो कुछ भी आम आदमी पार्टी ने दिया है उसका एक सबसे बड़ा नमूना दिखेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनाव में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी या अकाली दल पर उन्होंने कई सवाल किए, उसका मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक विपक्षी पार्टी के रूप में है और अरविंद केजरीवाल अपने अंदाज में इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की बखिया उन्होंने ऐसी उधेड़ी कि अरविंद केजरीवाल के सवाल का जवाब तो अब पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, जो अब इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी नहीं दे पाएंगे। और चन्नी की तो बात ही सोचिए, क्योंकि चन्नी तो कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे। सवाल उन्होंने बहुत बड़ा उठाया। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके का सवाल भगवंत सिंह मान सरकार पर उठा रहे हैं, उसके जवाब में कुछ भी नहीं बोल पाए अरविंद केजरीवाल, और वास्तव में यही वो समस्या है जिस पर अभी न कुछ मान बोल पा रहे हैं न केजरीवाल। और वो ये है
कि जिस तरह से पंजाब उड़ता पंजाब की स्थिति में आया और वहां पर अवैध ड्रग्स का कारोबार इस कदर फैला कि अब जेलों में भी ये कारोबार चल रहा है, ये खुलासा किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। और उनके बयान पर न तो मान ने कोई टिप्पणी की है, न अभी कोई और कांग्रेसी नेता। सवाल ये है कि यहाँ पंजाब के राजनीति में और पंजाब के अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से अवैध ड्रग्स का काला कारोबार चल रहा है, उस पर कोई नेता बोलने के लिए तैयार ही नहीं। और अभी भी भगवंत सिंह मान की सरकार या अरविंद केजरीवाल इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। कर्ज के जाल में पंजाब फंसा हुआ, अवैध काला कारोबार ड्रग्स का वहां पर चल रहा, बावजूद इसके भगवंत सिंह मान के सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए अरविंद केजरीवाल ने 13 के 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं ये इंडिया अलायंस और कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी गई है। 19 तारीख को बैठक भी होनी है इंडिया अलायंस की, लेकिन ये तय नहीं कि बैठक आहूत किसने किया है, अर्थात उसे बुलाया किसने है, कौन नेता उसकी अध्यक्षता करेगा और किस मुद्दे पर इंडिया अलायंस के कितने धड़े मिलेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया कि अखिलेश यादव को अभी सिर्फ इस बात के लिए मनाया जा रहा है कि वो जितने नाराज हुए हैं वो मान जाए। अखिलेश अभी नहीं मान रहे, जबकि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से मोर्चा खोल चुके हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी नहीं, 2 या 5, और पंजाब में तो एक सीट भी नहीं दी जा रही है। बड़ा सवाल कि आखिर कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी, और अगर इतने ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो फिर कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति अर्थात राहुल गांधी कैसे भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पेश कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल से मिली चुनौती का जवाब न तो कांग्रेस दे पाई है, न आगे देना चाहती है, क्योंकि परसों की बैठक में अरविंद केजरीवाल उपस्थित तो जरूर होंगे, कांग्रेस के नेता भी पहुंचेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल से पूछेगा कौन कि आप इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग के पहले इस तरह की घोषणाएं कर कैसे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बाछें खिली हुई हैं, इस तरह की जो रार की स्थिति दिख रही है, इंडी अलायंस अपने अपने नेताओं और धड़ों के बयानों से खुद ही एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जिसका अनुमान आप लगा ही चुके होंगे। बहरहाल 19 तारीख की बैठक में केजरीवाल क्या इस पर कोई सफाई देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कोई भी इस तरह की जानकारी होगी हम आपको उसकी खबर और उसका विश्लेषण जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। VK News, राष्ट्र के नाम।